हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी एट होम। डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, वी आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन फ्रॉम आवर होम। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सम वंडरफुल फीचर्स ऑफ गूगल फोन। विद द हेल्प ऑफ गूगल फोन वी कैन क्रिएट टेस्ट एंड क्विजेस ऑनलाइन, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैक अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट और अ क्विज। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गूगल अपना ब्राउज़र ओपन किया। जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपने। आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपने क्या करना है, ये जो 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गूगल एप्स लिखा है, इस डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाके आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे आना है, मोर पे जाना है, मोर से आपने गूगल फॉर्म्स और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ब्लैंक फॉर्म। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है अपना ब्लैंक फॉर्म पे। चलिए मैं टाइटल लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया अपना आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्लास 5 कंप्यूटर टेस्ट, क्लास टेस्ट, एंड सब्जेक्ट है मेरा फॉर एग्जाम्पल आई चूज कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फॉर्म का जो टाइटल है आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आप टाइटल यहाँ लिखते हैं वो आ जाता है। उसर मैंने लिख दिया है क्लास 5 असेसमेंट शीट। ओके नाउ, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा और ये सामने लिखा है रिस्पॉन्सेज। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जैसे हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। मैंने अपना एक क्वेश्चन पेपर पहले से बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्लास 5 का। सबसे पहले मैंने लिख रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन समझने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख रखा है एड क्वेश्चन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन एड कर पाएंगे। जैसे अभी हो गया, मैं एक बार के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर जो नेक्स्ट है वो है इम्पोर्ट क्वेश्चन, कि अगर आपने पहले से गूगल फॉर्म बना रखा है वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन लाना चाहते हैं तो यू कैन इम्पोर्ट। एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शन है आपके लिए। एड इमेजेस, एड वीडियोस एंड एड सेक्शन, आप सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, सेक्शन ए बी सी फॉर एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने टाइटल ऐड करना है। सबसे पहले मैंने लिखा टाइटल, यस मेरा क्वेश्चन जो 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने बना दिया अपना टाइटल फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ अब मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। यू कैन ड्रैग क्वेश्चन फ्रॉम अप एंड डाउन, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया क्वेश्चन। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बुक 1 जो है वो मेरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ। ये मेरा फिल इन द ब्लैंक का जो फर्स्ट है वो मेरा ये लिखा हुआ है, ये मैंने इसको पूरा उठा लिया है और ये मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ बिकॉज क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है तो मुझे स्टूडेंट को ऑप्शन देना है कि वो आंसर लिखे। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, मैं उसको यहाँ से ये जो आंसर्स के ऑप्शन है कि आप किस किस तरह का बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्सेस है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड है, मतलब इवन हम लोग एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करके और फाइल यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया है तो बच्चे ने सिर्फ जो ऑप्शन है वो लिखेगा इस तरफ और ये मेरा हो गया है ए। ठीक है, तो अब चलते हैं नया क्वेश्चन ऐड करते हैं प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं वहां लिख देता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन उठाया और ये मैंने फिलअप
उठा के यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरा सेकंड फिल्म आ गया। क्योंकि सेकंड फिल्म मुझे दो ऑप्शन देने हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको शॉर्ट आंसर एंड स्टूडेंट राइट विद द हेल्प ऑफ कोमा। ओके, रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चन मैंडेटरी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसके बाद मैं फिर से एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। चलिए अभी के लिए दो इनफ है, मैं फिर से एक टाइटल ऐड करता हूँ। सॉरी, मैंने एक टाइटल ऐड किया है। अब मेरा जो सेकंड टाइटल है वो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ से मेरा जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो लेके आ रहा हूँ, और मैंने ये क्वेश्चन टू बनाया है, और यहाँ पे मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ पर मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। और मैंने यहाँ से क्वेश्चन ऐड किया है, यस। तो मेरा जो टिक द करेक्ट आंसर है वो मैंने ये उठाया अपना फर्स्ट वाला, और यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए यहाँ से मल्टीपल चॉइस चूज है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन 1946, सेकंड ऑप्शन है 1946, एंड थर्ड ऑप्शन इज 1846। एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम लोग टिक द करेक्ट आंसर का। मैंने एक क्वेश्चन और उठाया और ये यहाँ पे डाल दिया, सेकंड क्वेश्चन मेरा आ गया है टिक द करेक्ट आंसर का। ऑप्शंस मैं यहाँ से ले आता हूँ, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, एंड मेरा थर्ड ऑप्शन है आईसी। ये मैंने अपना थर्ड ऑप्शन आईसी भी यहाँ लिख दिया। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे ऐड करना है ट्रू फॉल्स, तो मैं अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला डाल देता हूँ। क्वेश्चन थ्री ये मैंने लिख दिया ट्रू फॉल्स, एंड मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। मैं दो क्वेश्चन आपको लिए फिर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन उठाया है ए, और यहाँ से मैंने मल्टीपल चॉइस में रखता हूँ, दो ऑप्शन रखता हूँ चॉइस में, ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि ट्रू है फॉल्स है, वो एक सिलेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट जो है मैंने अनदर क्वेश्चन उठाया है, ये मैंने क्वेश्चन उठा लिया और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, और इसके भी मैं दो ऑप्शन डाल देता हूँ, ट्रू एंड सेकंड ऑप्शन फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, और मेरा यह तैयार हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है ताकि स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। और अब जो मैं बता रहा था कि इसको हम लोग कैसे क्विज में कन्वर्ट करते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमाइज थीम, कस्टमाइज थीम पे आप क्लिक करते हैं तो थीम का कलर वगैरह चूज कर सकते हैं आप। प्रीव्यू करके देखेंगे तो वो पता लगेगा क्या हो रहा है वहाँ पे। मैंने ये प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये आपका गूगल फॉर्म का प्रीव्यू है। ओके, तो अभी तक इस फॉर्म पे मैंने दो चीज़ें नहीं ली। अब अगर ये फॉर्म को सबमिट करता है मुझे नहीं पता लगेगा किसने सबमिट किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसके जस्ट बाद। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दिया योर नेम, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट को अपना नाम लिखना पड़ेगा, एंड सेकंड ऑप्शन में डाल दिया योर क्लास एंड सेक्शन। तो अब हम लोग जरा प्रीव्यू देखते हैं। अब आप देखेंगे योर नेम एंड योर क्लास एंड सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो क्लास एंड सेक्शन भी फिल करेगा और नाम भी फिल करेगा, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि कौन से क्लास के बच्चे ने आपको एग्जाम ये पेपर आपका सबमिट किया, कौन सेक्शन के बच्चे ने। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये हो गया थीम कैसे सेट कर सकते हैं आप, प्रीव्यू हो गया। सेटिंग बटन पर हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलता है। सेटिंग बटन पर जो ऑप्शन है वो है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यस मैंने टिक कर दिया। इसलिए टिक कर दिए कि जब भी कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा तो मुझे उसका ईमेल एड्रेस मेरे अकाउंट में आता रहेगा। और अभी देखिए यहाँ पे क्या चेंज होते हैं, सबसे ऊपर देखो अब एक ऑप्शन आ गया ईमेल एड्रेस, तो यूजर को अपना ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, वैलिड ईमेल एड्रेस। फिर से सेटिंग के बटन पे जाते हैं हम लोग, ये मैंने भी आपको बताया। यहाँ पे ऑप्शन है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, आप इसको जरूर टिक करें। इसलिए टिक करें कि आपका जो स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट एक ही बार पेपर अटेम्प्ट करे, बार बार ना करे। एडिट आफ्टर सबमिट, आप यस और नो बोथ इन योर हैंड, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ।
एंड सेकंड है प्रेजेंटेशन की, उसको कैसे दिखे, प्रोग्रेस बार है, शफल है, क्वेश्चन शफल कर सकते हैं आप ऊपर नीचे, ऑटो शफल होगा जब आप इसको चेक कर देंगे, और यहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज है जो ऑलरेडी लिखा है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड और रिकॉर्डेड, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है वेल डन स्टूडेंट, वेल डन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दिखेगा वेल डन चिल्ड्रन। और यहाँ पे आप जो इसको क्विज बना सकते हैं, मैंने जिससे पहले बताया था कि हम लोग इससे क्विज बना सकते हैं, क्विज में आप देख रहे हैं असाइन पॉइंट वैल्यू टू क्वेश्चन एंड अलाउ ऑटो ग्रेडिंग। जैसे आप क्विज बनाते हैं तो आपको फिर मैनुअल चेक नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटो चेक हो जाता है, इसे मैंने इसको टिक कर दिया है, तो इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन आपको आंसर भी दिख जाएंगे, जैसे को सबमिट करेगा उसको इमीडिएट उसका स्कोर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये है कि रिस्पॉन्डेंट कैन सी, वो गलत क्वेश्चन देख सकता है, जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया वो देख सकता है, और पॉइंट्स देख सकता है, ये मैंने कर दिया इसको सेव। जैसे मैंने ये चेंज किया तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सेक्शन था यहाँ पे सबसे नीचे आंसर की लिखाना शुरू हो गए। तो क्या करना है, आंसर की पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से आप पॉइंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट किया वन, सॉरी इसमें हम लोग आंसर की नहीं सेट कर रहे, ये तो ये क्लास एंड सेक्शन पूछा मैंने, मैं इसमें सेट करता हूँ जो मेरा फर्स्ट था फिलिप का, आंसर की मैंने क्लिक किया, वन मार्क्स का मैंने क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था मेरा उसका करेक्ट आंसर मैंने लिख रखा है कंप्यूटिंग एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और वहां लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया कंप्यूटिंग एलिमेंट्स। तो आप अदर ऑप्शन भी जो डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटिंग एलिमेंट लिख दिया, इट मे पॉसिबल कि स्टूडेंट कैपिटल वर्ड ना यूज करके स्मॉल ही यूज करे, तो इस तरीके से आप मल्टीपल आंसर यहाँ चूज कर सकते हैं कि, एंड यहाँ से चेक कर दिया मार्क ऑल अदर्स इनकरेक्ट आंसर, तो बाकी सब क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे, मैंने डन कर दिया। ओके एंड सेकेंड जो है, अब उस क्वेश्चन में देखिए आपको दिख रहा है आंसर के मैंने किया सिलेक्ट, यहाँ पे जो सेकेंड है उसमें ये दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों डाल दिए हैं। अब हो सकता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज कर दे आंसर को, वो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके और हो सकता है स्टूडेंट कोमा यूज ना करे, तो मार्क ऑल अदर इनकरेक्ट डन, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे आंसर बना दिया टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर की भी मैंने क्लिक किया फर्स्ट है, और यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो 1946 है, ये डन हो गया। सेकंड में जाते हैं हम लोग, फिर से आप यहाँ पे देखेंगे जो आंसर की पे मैंने क्लिक किया है, और ये मैंने वन मार्क्स का कर दिया इसको ट्रांजिस्टर डन। ट्रू फॉल्स पे हम लोग जाते हैं, आंसर की किया वन मार्क्स का किया इसको भी मैंने, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, करेक्ट आंसर इज ट्रू, तो ये मैंने डन कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको नीचे वाले पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एट आंसर भी क्लिक किया है, ये मैंने किया है इसको वन मार्क्स का, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये मैंने कर दिया डन। तो अभी जरा प्रीव्यू पे देखते हैं, प्रीव्यू में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक किया आपने, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब क्या क्या 1.1 पॉइंट लिखा आ गया, एक के मैं पॉइंट लगाना भूल गया हूँ, और बाकी सबका मैं पॉइंट लगा चुका हूँ, तो इसका हम लोग पॉइंट लगाते हैं और इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये जो क्लास एंड सेक्शन का था इसको मैं हटा देता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हुआ है। ओके हट गया डन, और एक जगह मैं पॉइंट मार्क्स देना भूल गया था, आई बिलीव कि ये वाला था, ये मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिया डन। तो ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया है स्टूडेंट्स को देने के लिए, और चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसका रिस्पॉन्स कि जब स्टूडेंट जमा करेगा तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेस कैसे दिखेगा। 6 मार्क्स का टोटल पॉइंट 6 का आपका हो गया है, आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हैं आपको वाया ईमेल है, यू कैन सेंड अ लिंक और यू कैन एम्बेड द गूगल फॉर्म, यहाँ से कर सकते हैं आप। सबसे आसान तरीका है लिंक से, आप लिंक कॉपी कीजिए, इसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर आप अगर आपका उनका ईमेल आईडी है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं उनको।
जैसे ही स्टूडेंट इस लिंक को ओपन करेगा उसके लिए गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और ही और शी कैन फिल। चलिए इसको हम लोग कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा। ये देखिए फॉर्म खुल गया है। चलिए एक बार के लिए मैं खुद इसको फिल कर देता हूँ, फिर आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स कैसे दिखता है। ये मैंने डाल दिया है अब अपना नाम और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लास डाल दी है 5C। ओके क्वेश्चन है तो मैंने आंसर लिख दिया कंप्यूटिंग एलिमेंट्स। ओके सेकंड का आंसर मैंने लिख दिया एनिक और यूनिवेक। थर्ड जो है इसका 1946 मुझे पता है, इसका मैं करेक्ट आंसर नहीं लिखता हूँ, रॉन्ग आंसर कर देता हूँ चेकिंग के लिए। यहाँ पे मैंने दोनों कर दिए। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए आ गया वेल डन चिल्ड्रन जो हमने मैसेज सेट किया था। और ये व्यू स्कोर देखते हैं, जैसे व्यू स्कोर पे क्लिक किया देखो क्या दिख रहा है 5 out of 6। ये जो डिटेल्स फिल की थी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 1946 करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए गलत हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स मैंने टिक किया था बट करेक्ट आंसर था ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर ट्रू ट्रू। तो इस तरीके से स्टूडेंट ने अपना जो रिजल्ट है इमीडिएट देख लिया। एंड एज ए टीचर आपको देखिए क्या मिला, आप जैसे अपने फॉर्म पे आते हैं यहाँ पे देखिए आपका रिस्पॉन्सेज में 1 आ गया है। जैसे आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करते हैं अभी आप देखिए आपको यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है कि एक रिस्पॉन्स आया हुआ है। आप चेक करना चाहते हैं समरी थी वो क्वेश्चन है यहाँ पे, यू कैन चेक कि कौन से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। इसे देखिए आप इंडिविजुअल रिपोर्ट देखिए, मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया तो इंडिविजुअल रिपोर्ट में अभी ER 40049 से एक रिस्पॉन्स सबमिट है और उसके 5 out of 6 है। ये पूरा का पूरा पेपर दिख रहा है आपको टिक टिक, ये रॉन्ग और ये सब। अब इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड सबका सजाते हैं तब आप रिस्पॉन्स को प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। और मैं आपको एक और बढ़िया तरीका दिखाता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो रिस्पॉन्सेज की फाइल को। ये आपका रिस्पॉन्सेज की फाइल डाउनलोड हो गई है। दूसरा एक और तरीका है क्रिएट स्प्रेडशीट। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो रही है जो गूगल शीट है। अब ये देखिए आपके सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके लिए ऑनलाइन सेव हो गए हैं। यस यू कैन सी टाइम स्टैम्प आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, स्कोर आ रहा है, नेम आ रहा है, क्लास आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सारा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, देख रहे हैं आप। मैं इसको एक बार के लिए वर्ड रिप कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए, ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा आपको। तो क्वेश्चन है सौरभ जो फर्स्ट चिल्ड्र था उसने क्या आंसर दिया है, सेकंड ने क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, थर्ड का क्या आंसर दिया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आंसर्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जितने आपके स्टूडेंट्स आपका ये टेस्ट फिलअप करते जाएंगे उन सबका स्कोर विद नेम क्लास और उन्होंने क्या क्या आंसर किया था वो आपके पास एक पूरा कंपाइल्ड रिपोर्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स ये था एक पूरा सेशन। यस फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। I believe you will use the Google Forms while creating tests and quizzes online. If you really like the information, please press the like button and do subscribe for new videos. Thank you.